बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन से लैपटॉप में और लैपटॉप से अपने मोबाइल फ़ोन में बग़ैर किसी डाटा केबल के वायरलेसली वाईफाई के थ्रू कैसे इजीली डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बहुत इजी मेथड है। इसके लिए यह भी ज़रूरी है कि आपका मोबाइल और आपका लैपटॉप दोनों सेम वाईफाई या सेम राउटर से कनेक्टेड हो। इसके लिए आपने सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन में प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। जब प्ले स्टोर ओपन हो जाए तो उसमें आपने एक ऐप सर्च करना है जिसका नाम है वाईफाई एफटीपी सर्वर। ये देख ले, वाईफाई एफटीपी सर्वर, ये लिख के सर्च कर दें तो ये जो आपको ये वाला ऐप शो हो रहा है वाईफाई एफटीपी सर्वर, ये आपने अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर लें। इसके 5 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हैं, 4.3 रेटिंग है। इसको इंस्टॉल कर लें। तो मोबाइल में जब वाईफाई एफटीपी सर्वर इंस्टॉल हो जाए तो आपने इसको ओपन कर लेना है। ये वाली स्क्रीन आएगी, आपने इस पर स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। इधर ही आपसे आपकी फाइल्स को एक्सेस करने की परमिशन मांगेगा, आपने इसको अलाउ कर देना है। उसके बाद बैक कर लेना है। अब बाकी काम आपने अपने पीसी या लैपटॉप पे करना है। अपने पीसी या लैपटॉप पे आपको नीचे फाइल एक्सप्लोरर नज़र आ रहा है, आपने इसको ओपन कर लेना है। जब आपका फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाए तो आपको इधर डिस पीसी पे क्लिक कर देना है। डिस पीसी पे आने के बाद आप चाहें तो यहाँ से भी डायरेक्ट फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं। एड्रेस बार में आपने ये जो आपको सर्वर यूआरएल लिखा नज़र आ रहा है FTP192.168, इधर अगर आपने कंप्लीट यूआरएल टाइप कर तो यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने मोबाइल फ़ोन की फाइल को परमानेंट इजीली एक्सेस करना है तो उसके लिए आपने अपने लैपटॉप में दिस पीसी में राइट साइड से अपने माउस से क्लिक कर देना है और नीचे आपको ऐड अ नेटवर्क लोकेशन लिखा हुआ नज़र आ रहा है, आपने ऐड अ नेटवर्क लोकेशन पर क्लिक कर देना है। स्क्रीन पर आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इधर चूज़ अ कस्टम नेटवर्क लोकेशन और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इधर आपने वही जो सर्वर यूआरएल आपको शो हो रहा था वो आपने यहाँ पर टाइप कर देना है। सेम यूआरएल यहाँ पे टाइप करने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इधर आपने लॉग ऑन एनोनिमसली पे क्लिक रहने देना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इधर आप चाहे तो टाइप अ नेम फॉर दिस नेटवर्क भी चेंज ये भी रहने दे सकते हैं, चाहे तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। और इधर आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इधर ओपन दिस नेटवर्क लोकेशन मैंने क्लिक फिनिश चेक पे क्लिक रखें और फिनिश पे क्लिक कर दें तो ये देखिए मेरे सामने मोबाइल की फाइल्स ओपन हो गई हैं। मैं आपको दिस पीसी से भी दिखा दे रहा हूँ। दिस पीसी में इस मेथड से करने से दिस पीसी में इधर एंड्रॉयड मोबाइल का फोल्डर अब शो होना शुरू हो गया। आपने जब भी अपने लैपटॉप से अपने मोबाइल फ़ोन को एक्सेस करना हो तो आपको दिस पीसी में एंड्रॉयड मोबाइल का फोल्डर नज़र आएगा। आपने अपने मोबाइल से एफटीपी सर्वर ऑन कर लेना है और इस पर क्लिक कर देना है तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन की फाइल एक्सेस हो जाएंगी। मैं आपको ये अपने मोबाइल फ़ोन के डाउनलोड के फोल्डर में से एक फ़ाइल कॉपी करके भी दिखा देता हूँ। इसको मैंने कॉपी कर लिया, उधर मैंने अपने डेस्कटॉप पे इसको सेव कर दिया। इसी तरह आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी कोई वीडियो या कोई भी किसी किस्म की फ़ाइल कॉपी करके वो अपने उधर मोबाइल के फाइल में सेव कर सकते हैं। ये देखिए मैंने अपने डेस्कटॉप से कॉपी की थी, इधर पेस्ट कर दी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो काइंडली चैनल इंफो को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।